डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 12th में हम लोग केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे, वहाँ पे बहुलक के मुख्य दो प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एक का नाम है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा का नाम है संश्लेषित बहुलक। चलिए अब हम लोग टॉपिक्स देते हैं, प्राकृतिक बहुलक के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक बहुलक अब हेडिंग देंगे, इसका नाम है इंग्लिश में बोले तो नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट एरो देते हैं नेचुरल पॉलीमर का। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, वैसे बहुलक जो प्राकृतिक होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है, जैसे जैसे रबर कॉमा प्रोटीन कॉमा कॉमा सेलुलोज ईटीसी। यानी कि देखिए, प्राकृतिक बहुलक क्या है, वैसा बहुलक जो मुख्य रूप से प्राकृतिक से बने हों, प्राकृतिक हों, जो मानव मेड नहीं हो, मानव द्वारा निर्मित नहीं हो। जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें तो हम लोग कृत्रिम कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक में कौन कौन से आता है, रबर कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधे से, और पेड़ पौधे प्राकृतिक हैं। प्रोटीन कहाँ से पाया जाता है, तो पौधे से, जो चीज़ें हम खाते पीते हैं जैसे दाल वगैरह, तो वो भी क्या है, प्राकृतिक है। सेलुलोज, तो कुल मिलाकर प्राकृतिक बहुलक हम उन्हें कहते हैं जो मुख्य रूप से प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक के बारे में फर्स्ट एरो लिखेंगे। नेक्स्ट एरो, सेकेंड एरो लिखा जाए, प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत मुख्य रूप से रबर का अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से रबर का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा कि प्राकृतिक बहुलक जो होता है, इसके अंतर्गत किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा रबर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बात किया जाए तो प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत मेन रूप से किसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, रबर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्राकृतिक बहुलक में दो टाइप्स पढ़ेंगे। प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं, प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं ना, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम है प्राकृतिक रबर, यानी कि इसके अंतर्गत रबर का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा का नाम है संश्लेषित रबर। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा कि प्राकृतिक बहुलक में मुख्य रूप से हम लोग रबर का डिस्कशन करते हैं, रबर का मेन, रबर के बारे में जानते हैं। इसीलिए प्राकृतिक बहुलक के भी दो टाइप्स में बांटेंगे हम लोग, एक का नाम है प्राकृतिक रबर और दूसरा का नाम है संश्लेषित रबर। अब हम लोग इसके बारे में भी अलग अलग डिस्कस करेंगे कि आखिर प्राकृतिक रबर क्या है और संश्लेषित रबर क्या है। तो अब टॉपिक्स बनाएंगे हम लोग प्राकृतिक रबर, ये टॉपिक्स बनाया जाए प्राकृतिक रबर के बारे में। तो प्राकृतिक रबर के बारे में सबसे पहला पॉइंट परिचय के रूप में लिखा जाए कि आखिर इसका परिचय क्या है। तो ए नंबर में लिखा जाए कि प्राकृतिक रबर का परिचय। ठीक है, तो परिचय में फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए, सेकेंड पॉइंट यानी कि परिचय का ये पॉइंट हुआ। तो परिचय का पहला पॉइंट लिखा जाए, यह प्रकृति में पाया जाने वाला प्रमुख बहुलक है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला प्रमुख बहुलक है। याद रखिएगा प्राकृतिक रबर के बारे में, कि प्राकृतिक रबर का परिचय में पहला में हम लोग क्या लिखें, कि जितने भी बहुलक हैं उसमें से सबसे प्रमुख, सबसे मेन कौन है,
प्राकृतिक रबर है, ये आपको समझना चाहिए। अब इसका परिचय का दूसरा पॉइंट लिखा जाए, इसका मुख्य स्रोत रबर वृक्ष है। इसका मुख्य स्रोत रबर वृक्ष है, यानी कि बात किया जाए तो इसका मेन यानी कि रबर जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो रबर के पेड़ होता है, रबर का वृक्ष होता है। इसलिए इसका मुख्य स्रोत का ये कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है रबर वृक्ष से। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। बी नंबर, ए नंबर में तो इसका परिचय था, बी नंबर में कि आखिर प्राकृतिक रबर का संरचना कैसे होता है, तो संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संरचना में दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड, C के साथ ऊपर मेथिल यानी कि CH3, फिर CH और फिर CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड के साथ। तो यही है हम लोगों का क्या, ये हम लोगों का बात किया जाए तो प्राकृतिक रबर है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका नाम जो है उसका नाम क्या है, तो 2-methyl, इसका नाम है 2-methyl butane 3-diene, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 2-methyl butane 3-diene। अब इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आइसोप्रीन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक रबर का संरचना कैसा होता है, तो CH2, C के साथ CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको IUPAC में क्या नाम है, तो 2-methyl butane 3-diene, इसको हम लोग आइसोप्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइसोप्रीन तो लिख लिए कि आइसोप्रीन क्या है, तो 2-methyl butane 3-diene को हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। अच्छा, बात किया जाए, हम लोग नेक्स्ट एरो देकर फिर से लिखेंगे, ये तो संरचना में ही, संरचना का ही एरो है। लिखा जाए जब आइसोप्रीन के 11,000 से 20,000 इकाई आपस में जुड़ते हैं तब प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। आपको जानना चाहिए कि प्राकृतिक रबर का संरचना जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसको हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा जो आइसोप्रीन है वो टोटल कितना से कितना रहेगा तब जाकर प्राकृतिक रबर का निर्माण होगा, आपको जानना चाहिए कि आइसोप्रीन की संख्या अगर 11,000 से 20,000 के बीच में होती है तब हम इसको कहते हैं प्राकृतिक रबर। तो आप जान पा रहे हैं कि आखिर प्राकृतिक रबर कितना जटिल संरचना हो सकता है, क्योंकि ऐसा आइसोप्रीन को 11,000 जोड़ना है आपस में, समझ में आ रहा है, यानी कि उसके नीचे लिखिएगा अथार्थ करके लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH3 और फिर CH2, ठीक है। और ये कितना ठो रहेगा, तो ये हम लोगों को N रहेगा, यानी कि अगर N का मतलब ये नंबर, और इसी को हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन। ठीक है, ये आइसोप्रीन है और इसमें कितना नंबर होने चाहिए, तो नंबर 11,000 से 20,000 होने चाहिए। इसको अगर मिला दिया जाता है आपस में तो कैसा मिलेंगे, CH2 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH2, इस तरीके से बनते हैं
एन, देख लीजिए इससे ये बन रहा है, इसका मतलब क्या, आइसोप्रीन एन जुट रहा है, और एन का वैल्यू हम लोग अभी पढ़े 11,000 से 20,000 के बीच। तो अगर एन का वैल्यू 11,000 से 20,000 रहेगा, तो अगर ऐसा कितने जुट रहे हैं, यहाँ एन है तो एन का वैल्यू 11,000 से 20,000 जुटेंगे, तब इसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक रबर। ठीक है, ये प्राकृतिक रबर बनता है, यानी कि ऐसा ऐसा आइसोप्रीन लगभग 11,000 से 20,000 जुड़ेंगे तब प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे कैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इससे एक वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन लिख के इसको लिखिएगा, आइसोप्रीन कॉमा आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। याद रखिएगा इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक बहुलक का कौन सा एक आइसोप्रीन जो है। तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जानना चाहिए कि प्राकृतिक बहुलक प्राकृतिक रबर जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, आइसोप्रीन से बन रहा है। आपको जानना चाहिए कि बहुलक के बारे में हम लोग सीखें, बहुलक क्या है, तो बहुलक का मतलब छोटे छोटे अणु को मिलाकर एक बड़े अणु का निर्माण होता है, वो प्राकृतिक रबर है, और छोटा अणु हो गया आइसोप्रीन, इसीलिए बोला गया कि आइसोप्रीन से एक बड़ा यौगिक बन रहा है जिसको प्राकृतिक रबर कहते हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, याद रखिएगा आइसोप्रीन का। ठीक है, तो आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है, ये आपको जानना चाहिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं सी पॉइंट में, अभी बी तो संरचना देख रहे थे ना, सी नंबर में लिखा जाए इसका प्रयोग, किसके प्रयोग कहाँ कहाँ हैं, तो सी नंबर में लिखा जाए प्रयोग, और प्रयोग में लिखा जाए फर्स्ट पॉइंट, पहला प्रयोग है मुलायम रबर का उपयोग दस्ताना बनाने में, पहला में लिखिएगा मुलायम रबर का उपयोग दस्ताना बनाने में। दूसरा रबर की नली बनाने में, और तीसरा कठोर रबर का उपयोग वाहन के टायर बनाने में किया जाता है, कठोर रबर का उपयोग वाहन के टायर बनाने में किया जाता है। और फोर्थ नंबर में लिखिएगा मोटर गाड़ियों के निलंबन यूनिट के रूप में, मोटर गाड़ियों के निलंबन यूनिट जहाँ पे गाड़ियों का जो ब्रेक प्रेशर प्रेशराइज किया जाता है वहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। और कठोर रबर का उपयोग तो वाहनों का जो टायर बनाया जाता है ना, उस टायर बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके प्रयोग निम्नलिखित हैं, पहला इसको इससे दस्ताना बनाया जा सकता है, रबर का ट्यूब यानी कि नली बना सकते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक रबर के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़े। फिर अगली बार हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा जो रबर है संश्लेषित रबर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, संश्लेषित रबर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।